Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दैया को। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के एडाप्टेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था, उसमें हमने ज़ेरोफिटिक जो प्लांट्स थे उनमें जेरी कंडीशन किस तरीके से होती है, ज़ेरोफाइट जो कंडीशन किस तरीके से हो सकती है उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ जो है अदर फैक्टर्स जो थे उनके बारे में भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ेरोफाइट्स। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको जनरल जो है आइडिया हो जाए कि ज़ेरोफिटिक प्लांट्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के एडाप्टेशंस पे। तो ये वीडियो जैसे कि आप ऑर्डिनरी वीडियोस देखते हैं उनसे थोड़ा सा आपको अलग इसलिए मिलेगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे स्पेशली प्लांट्स के रिस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि फाइलोक्लेड है, क्लेडोफिल है, इसके अलावा जैसे कि क्लेडोड है एंड फाइलोड, इस तरह की चार पांच टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो भी आपको इसमें समझने में हेल्प मिलेगी। एंड अदर जो फैक्टर्स हैं वो भी हम अडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे, जहाँ से वेरियस एग्जाम्स होती हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में वहाँ पर क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं, और काफ़ी जो है स्कोरिंग भी रहता है ये, क्योंकि अडेप्टेशंस के अंदर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। ये आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या टॉपिक के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अडेप्टेशंस क्या होते हैं। अडेप्टेशंस अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में होने वाले चेंजेस, जैसे कि एडवर्स चेंजेस हैं, उनके अगेंस्ट सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अडेप्टेशन क्या करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करेंगे जिस हैबिटेट में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के केस में लागू होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन है, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच एनेबल इट टू एग्जिस्ट अंडर कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट, जहाँ वो रह रहा है अगर उसमें कोई चेंजेज हुए हैं तो उस जो चेंजेज हैं उनके अगेंस्ट में उसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये अडेप्टेशंस होते क्यों हैं, जैसे ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशंस है वो है किस लिए। ठीक है, तो ज़ेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं आपको पता है कि ड्राई कंडीशंस में होते हैं, तो उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर वाटर नहीं है तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये इनमें कुछ अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं, और अडेप्टेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर सके। तो इस केस में जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होती है उनकी जो रूट्स होती है वो सूट सिस्टम से ज़्यादा डेवलप होता है, उनका रूट सिस्टम जो होता है सूट सिस्टम से ज़्यादा डेवलप होता है। तो रूट्स क्या होती है, पेनिट्रेट करती है और ज़्यादा गहराई तक जाती है, क्यों, ये तो आपको पता ही होगा। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। सेकेंड है टू रिटर्न वाटर, कि जो वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, अब वो वाटर वो उसमें रहे, ऐसा नहीं है कि उसका लॉस हो जाए। तो टू रिटेन वाटर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि हम सक्यूलेंट प्लांट्स में देखते हैं कि वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उस वाटर को अंदर स्टोर करने के लिए इनमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, जो वाटर स्टोर कर लिया है अब उसका लॉस ना हो, ठीक है, उस वाटर लॉस को कम करने के लिए उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि लीफ जो होती है या तो होती नहीं है, होती है तो भी छोटी होती है, जल्दी कंटिग्यूस नेचर की होती है, जल्दी झड़ जाती है, एंड स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाना, क्यूटिकल की लेयर का प्रेजेंट होना, ये जो फीचर्स हैं, ये जो करेक्टर्स हैं, ये जो अडेप्टेशंस है वो किस लिए हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन को कम किया जा सके, टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट हाई कंजप्शन ऑफ वाटर। और साथ ही साथ जो है हाई कंजप्शन ऑफ वाटर, जो वाटर का जो कंजप्शन है वो कम कर सके, इस पर भी जो है फोकस होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो कंजप्शन भी, वाटर का भी कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में कंजप्शन भी कम हो, इसलिए भी कई सारे मॉडिफिकेशन जो होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको ये फोर पॉइंट, जो चार पॉइंट हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जो ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशंस हैं वो किस लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो ज़ेरोफिटिक करेक्टर्स हैं उन्हें आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है जीरो मॉर्फिक करेक्टर्स जो होते हैं, एंड सेकंड है जीरो प्लास्टिक। जीरो मॉर्फिक करेक्टर्स से मतलब ऐसे अडेप्टेशन से है जो क्या होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, मतलब वो किस एनवायरनमेंट में है। अगर जैसे कि एक ज़ेरोफिटिक प्लांट है उसे ले जाके आप हिमाचल में ले जाते हो ठंडे वाली जगह, तो वो जो ज़ेरोफिटिक प्लांट है वो
हिमाचल जो वहाँ की कंडीशंस है उसके इररिस्पेक्टिव होके, मतलब उससे उसका उस पर कोई फर्क ना होते हुए वो जो उसके जीरोफिटिक करेक्टर्स हैं प्लांट के वो शो करे। तो इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं उन करेक्टर्स को कहा जाता है जीरो मॉर्फिक करेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि स्टोमेटास होते हैं, जैसे कि सनकेन स्टोमेटा इन साइकस है, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, बट कई सारे से करेक्टर्स होते हैं जो कि आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरो प्लास्टिक जो है करेक्टर्स के मीनिंग है, जिसका जो जीरो मॉर्फिक करेक्टर्स आपने देखे हैं ऊपर कि ये जेनेटिकली होते हैं और इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस होते हैं, ये जो जीरो प्लास्टिक करेक्टर्स होते हैं ये जो होते हैं वो जस्ट जीरो मॉर्फिक के अपोजिट है। मीनिंग ये क्या होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं, एंड साथ ही साथ जो होते हैं एनवायरमेंट के रिस्पेक्टिव होते हैं, मतलब कंडीशंस होती है उसके रिस्पेक्टिव होते हैं। जीरो प्लास्टिक करेक्टर्स जो होते हैं जिसे ड्रॉट कंडीशन होगी तो इंड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, प्लांट में ऐसे करेक्टर्स जो कि ड्राई कंडीशन होने पर इंड्यूस किए जाते हैं, इस तरह के करेक्टर्स को जीरो प्लास्टिक करेक्टर कहा जाता है। और ये करेक्टर जो होते हैं जेनेटिकली फिक्स, जो जेनेटिकली है फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके कुछ जैसे एग्जाम्पल देखें तो प्लांट जीरोफिटिक प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिसे हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में देखते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो ड्राई कंडीशंस की वजह से होती है। अगर ड्राई कंडीशंस नहीं है तो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो अडेप्टेशंस हैं उन्हें जो है जीरो प्लास्टिक अडेप्टेशंस कहा जाता है। तो करेक्टर को हम टू पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, जीरो मॉर्फिक एंड जीरो प्लास्टिक। तो ये करेक्टर्स थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे जो जीरो फिटिक अडेप्टेशंस हैं उन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके, फर्स्ट होगा हमारा मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड होगा एनाटॉमिकल, एंड थर्ड होगा अपना फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो डिस्कस करते हैं हम डिस्कस करेंगे। एंड अब जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस का मतलब है कि प्लांट्स के आउटर में आपको जो अडेप्टेशंस देखने में आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो, उन अडेप्टेशंस को कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। ठीक है, तो इसमें हम जैसे डिस्कस करते हैं कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, एंड फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, इनमें आपको क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन जो मॉडिफिकेशंस को मॉर्फोलॉजिकल में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट के अंदर। तो रूट जो मॉडिफिकेशंस है रूट में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन मॉडिफिकेशन इस तरह के होने चाहिए, क्या जैसे कि फर्स्ट बताया था कि ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो रूट का जो काम होता है जैसे कि आपको पता है रूट का जो वर्क है वो क्या है कि प्लांट को एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो है प्लांट को जो है रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट जहाँ होते हैं जेरी कंडीशंस होती हैं वहाँ जो है वाटर कम होता है, तो वाटर जो होता है काफ़ी ग्राउंड लेवल तक चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, ऐसा रूट सिस्टम चाहिए जो कि ज़्यादा पेनिट्रेट करे। ठीक है, तो जो ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है वो जो सूट सिस्टम है, जैसे कि मतलब ऊपर का जो पार्ट है सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम जो है, तो रूट सिस्टम जो होगा वो सूट सिस्टम के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं कोई इंसान दिखता तो कम है और वो जितना दिखता है उससे ज़्यादा ज़मीन में है, जो हम इस तरह की कहावत काम में लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जीरोफिटिक प्लांट भी दिखने में तो बाहर कम होते हैं पर वो अंदर कितने होते हैं उनका आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो इनकी जड़ें जो होती है वो गहराई तक चली जाती है। ठीक है, तो यही कुछ फीचर्स हैं अडेप्टेशंस में। आप देखेंगे कि इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती है, वो रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड देन सूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम है वो सूट सिस्टम की तुलना में बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट पॉइंट अपना ये। सेकेंड है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। ठीक है, तो आपको जिनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा गहराई तक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरिनियल रूट्स होती है। ठीक है, जो रूट्स होगी वो क्या होगी, पेरिनियल होगी। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगी। ठीक है, और ब्रांचिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगी एंड डेंस हेयर होंगे, क्योंकि हेयर जो है जो न्यूट्रिशन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में वर्क करता है। तो हेयर जो होंगे डेंस हेयर होंगे। तो ये जो है इनके जो जीरोफिटिक प्लांट है उनकी जो रूट सिस्टम है वो आप उसमें आपको देखने को मिलेगा। बट आपको ध्यान होगा कि एक सक्यूलेंट प्लांट जो हमने देखा था कि कैक्टस देखा था ओपनसिया, तो उसमें आपने देखा था कि उनकी जो रूट्स हैं वो कम होती हैं। इसी तरीके से आप जो एलोवेरा है उसमें आप देखते हैं एलोवेरा के अंदर उसमें भी जो होती है रूट्स होती है बहुत कम होती है, सुपरफिशियली होती है। ठीक है, और आप देखोगे कि जब
तो उस तरह की जो रूट है आपको देखने को मिलती है, तो वो भी जीरोफिटिक है, बट वो क्या है, सक्यूलेंट प्लांट है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से और फिर क्या है वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके रूट्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उनमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखना पड़ता। बट जैसे कि मैंने आपको टर्म यूज की थी कि जो ट्रू जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको जो रूट सिस्टम है बहुत अच्छा डेवलप जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में स्टेम। तो स्टेम जो देखेंगे हम, जो स्टेम जो पार्ट है आप देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो होता है स्टेम जो है वो आपको जो है कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स तो नहीं कह सकते कि ज़्यादातर में आपको जो है वुडी और हार्ड स्टेम देखने को मिलेगा। एंड जो स्टेम जो होता है वो ग्रीन हो जाता है क्योंकि लीफ वगैरह जो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, लीफ कम होती है तो ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए जो लीफ तो ज़्यादातर जो होती है या तो मिलती नहीं है, होती भी है तो छोटी होती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उस केस में क्या होता है, स्टेम का रोल मेन हो जाता है। तो इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है। साथ ही साथ स्टेम पे आपको अलग अलग जो डिपोजिशंस भी देखने को मिलेंगे ताकि जो वाटर का इवेपोरेशन है उसे कम किया जा सके। तो इस कंडीशन में जैसे कि क्यूटिकल की लेयर देखने को मिल सकती है, वैक्स की लेयर देखने को मिल सकती है, सिलिका की लेयर भी हो सकती है, हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिलिका की लेयर जैसे कि आप देखते हैं कि हम इक्विसिटम में देख सकते हैं कि सिलिका की लेयर होती है, इसी तरीके से हेयर जो होते हैं वो आपको कैलोट्रॉपिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो वाटर का इवेपोरेशन है उसको कम किया जा सके, वाटर लॉस को कम किया जा सके स्टेम के केस में। साथ ही साथ में आपने स्टेम देखा होगा, सक्यूलेंट प्लांट का स्टेम जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने आपको कहा था कि स्टेम सक्यूलेंट कौन सा है, आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कैक्टस एंड यूफोर्बिया, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे तो आपको ये याद रखने, कैक्टस और जो यूफोर्बिया है उन दोनों के अंदर ही क्या है जो स्टेम जो होता है सक्यूलेंट होता है, स्टेम सक्यूलेंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ में जो स्टेम जो होता है कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर थॉर्न के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है। थॉर्न एंड स्पाइन जो होते हैं उनमें डिफरेंस है क्या, अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजिकली कि थॉर्न और स्पाइन में क्या डिफरेंस है, जब पिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि एक नुकीली संरचना के अंदर जब स्टेम मॉडिफाइड होता है तो उसे थॉर्न कहा जाता है, और वहीं अगर लीफ मॉडिफाइड हो एक नुकीली कांटे नुकीली संरचना के अंदर तो उसे स्पाइन कहा जाता है। तो थॉर्न जो होता है वो स्टेम से बनता है और स्पाइन जो होता है वो लीफ से बनता है। तो कैक्टस में आपने देखा था कि किस तरीके से जो स्टेम जो सक्यूलेंट है उसके किनारों पर आपको या जो आउटर सरफेस है उस पर आपको स्पाइंस देखने को मिलती है। तो मॉडिफिकेशन किसका है, वो लीफ का है। इसी तरीके से जो यूफोर्बिया वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो किसका है, वहाँ पर आपको जो है स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं थॉर्न के अंदर, तो थॉर्न जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड तो ये कुछ पॉइंट्स से फिर से देख लेते हैं कि वुड एंड जो वुड वुडी एंड हार्ड होगा इन सम जीरोफाइट, यूजुअली ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होगा, कवर्ड विद थिक क्यूटिकल वैक्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, कवर्ड विद हेयर्स कैलेट्रोपिस में मॉडिफाइड इनटू थॉर्न एग्जांपल है यूलेक्स के अंदर, सक्यूलेंट स्टेम है एग्जांपल कैक्टस एंड यूफोर्बिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ स्टेम्स के कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हैं जैसे कि फाइलोक्लेड है, क्लेडोफिल है, क्लेडोड है एंड फाइलोड है, वो हम देखते हैं क्या होते हैं। ओके, तो थ्री मॉडिफिकेशन हैं हमारे पास में स्टेम के। तो ये तीनों आपको इस तरीके से याद रखने कि तीनों के तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास में, फाइलोक्लेड है, क्लेडोड है एंड क्लेडोफिल है। फाइलोक्लेड, क्लेडोड एंड क्लेडोफिल, ये तीनों ही मॉडिफिकेशन किसके हैं, स्टेम के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फाइलोक्लेड के अंदर जो स्टेम होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, एंड ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर, चपटी हरी संरचना। ठीक है, स्टेम का चपटी हरी संरचना में रूपांतरण हो जाना फाइलोक्लेड कहलाता है। ठीक है, कैक्टस जो देखा था हमने, कैक्टस को भी हम फाइलोक्लेड कह सकते हैं, वो भी काउंट होता है, बट ये एग्जांपल भी ज़्यादा सूटेबल लगता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं कि मुहेल बैंकिया बेकिया। तो इसके अंदर स्टेम मॉडिफाइड इंटू फ्लैटेंड लीफ लाइक ऑर्गन, फ्लैटेंड ग्रीन, सॉरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर। लीफ लाइक भी बोल सकते हैं कि कैक्टस में आपको लीफ जैसा ही देखने को मिलेगा, बट ज्यादा सही है कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर।
ठीक है। एग्जाम्पल है मुहेल बेकिया, तो यहाँ पर स्टेम जो होता है मॉडिफाई चपटा हो जाता है और ग्रीन स्ट्रक्चर में होता है, फोटो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्लेडोड, ये भी क्या है स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, बट इसमें क्या होता है एक्जिलरी ब्रांच है दोनों के अंदर, इन दोनों में क्या है एक्जिलरी ब्रांच ही मॉडिफाई होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मेन स्टेम है और इससे एक्जिलरी ब्रांच निकलेगी, वो ब्रांच जो होती है वो निडल लाइक निडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये जो लीफ बनेगी वो निडल शेप में होती है बट वो लीफ ही लीफ में लीफ की तरह दिखती है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक्जिलरी ब्रांच मॉडिफाइड इनटू निडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है, निडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लेडोड है, क्लेडोड में क्या होता है कि जो एक्जिलरी ब्रांच है वो एक निडल नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, निडल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है जो दिखने में लीफ जैसी होती है, समझ गए आप। एग्जाम्पल क्या है एस्पेरेगस, तो आप इस तरीके से याद रखना एस्पेरेगस क्लेडोड, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद आ जाए कि एस्पेरेगस क्लेडोड, और फोटोग्राफ याद रहेगी तो आपको ये याद आ जाएगा कि जो मॉडिफिकेशन था वो कैसा है, कैसा है निडल लाइक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अपने पास में क्लेडोफिल, क्लेडोफिल का है रस्कस एग्जाम्पल है, तो रस्कस क्लेडोफिल ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो एस्पेरेगस क्लेडोड रस्कस क्लेडोफिल, तो इसमें भी क्या होता है एक्जिलरी ब्रांच ही मॉडिफाई होती है, बट यहां पर ब्रांच जो होती है वो एक चपटी हरी संरचना में रूपांतरित होती है, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर तो जो निडल शेप में थी और यहाँ पर एकदम लीफ के स्ट्रक्चर्स के अंदर ही है, और ये एक्जिलरी ब्रांच थी जो कि किस में कन्वर्ट हो गई लीफ के अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, जिसे क्लेडोफिल कहते हैं, और इसके जो एक्जिल पे आपको यहाँ पर स्केले लीफ जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये है रस्कस का एग्जाम्पल। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना इन तीनों केस में कि फाइलोक्लेड क्लेडोड एंड क्लेडोफिल तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के हैं, ठीक है। फिर आपको इनके जो एग्जाम्पल याद रहने चाहिए और ये मॉडिफिकेशन किस में होता है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इजी है, इसमें भी ग्रीन स्ट्रक्चर ही है, इसमें भी ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसमें भी ग्रीन स्ट्रक्चर है, बस जो शेप है उसका डिफरेंस है। इसमें जो है चपटी स्टेम खुद अपने आप जो मेन स्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों के अंदर एक्जिलरी ब्रांच जो होती है वो मॉडिफाई होती है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को एक साथ याद रखना ताकि आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो लीफ जो है उनमें क्या अडेप्टेशन देख मॉडिफिकेशन, तो लीफ के अंदर अडेप्टेशन आप देखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जीरोफाइट्स होंगे उनमें याद देखो देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनमें लीफ होगी नहीं, ठीक है। जो जीरोफाइटिक प्लांट होंगे उनमें लीफ होगी नहीं, अगर होगी तो भी कैसी होगी छोटी होगी, ठीक है, या ऐसी होगी जो जल्दी झड़ जाती हो, जिन्हें कैडिक्यूस लीफ कहा जाता है, ठीक है, समय से पहले ही जो है गिर जाती है। इसके अलावा लीफ पे आपको जो है वैक्स वगैरह की लेयर भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लीफ जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड हो सकती है, जैसे कि लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइंस के अंदर, जो लीफ जो है वो नुकीली कांटेनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे स्पाइन कहते हैं, तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्पाइन का एग्जाम्पल आपको याद है ही, कैक्टस जैसे कि आपने देखा था कैक्टस के अंदर जो है लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरीके जो लीफ जो होती है स्केल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। स्केल्स का भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रस्कस और एस्पेरेगस दो एग्जाम्पल बताए थे, तो इन रस्कस और एस्पेरेगस दोनों के अंदर जैसे कि आप याद कीजिए कि जो रस्कस के अंदर जो अपना क्लेडोड बना था, तो रस्कस का जो क्लेडोफिल बना है, तो जो रस्कस के क्लेडोफिल के अंदर आप देखेंगे तो उसके नीचे स्केल बनी हुई थी, स्केल लीफ जो मैंने आपको बताई थी, तो रस्कस का जो क्लेडोफिल है उसके नीचे एक्जिल के अंदर ही आपको स्केल लीफ देखने को मिलती है। इसी तरीके से एस्पेरेगस जो है क्लेडोड है, तो उसके नीचे की तरफ भी आपको जो है स्केली लीफ जो है वो देखने को मिलेगी, फोटो के अंदर आप देख सकते हैं। तो स्केल्स जो है उसके एग्जाम्पल में आप रस्कस लिख सकते हैं और एस्पेरेगस जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लीफ जो है आप याद कीजिए, हमने देखा था कि जो जेरोफिटिक प्लांट्स हैं, जो कि हमने सक्यूलेंट प्लांट देखे थे, उनके अंदर भी लीफ जो होती है वो सक्यूलेंट हो जाती है, तो वहाँ वो कौन से एग्जांपल थे जिनके अंदर लीफ जो होती है सक्यूलेंट हो जाती है, आपको याद आ गया होगा कि अगेव एंड अलोवेरा जो हमने देखे थे फेमस एग्जाम्पल है, जो कि हमारे आसपास आराम से देखने को मिल जाते हैं।
तो जो एलोए वीरा जो कि ब्यूटी के तौर पे काम लिया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर, तो वो क्या है, लीफ सक्यूलेंट का एग्जाम्पल है। तो उसमें जैसे कि लीफ सक्यूलेंट हो जाती है, तो इसी तरीके से मॉडिफिकेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हमारे पास में जो है वो है फाइलोड। फाइलोड क्या होता है, ठीक है, फाइलोड जो मॉडिफिकेशन है उसमें हम देखिए, ये जो फाइलोड है एक्चुअली जो है पेटियोल जो होता है उसका मॉडिफिकेशन है। जो कि लीफ का जो पेटियोल है वो क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मतलब एक चप्पी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पेटियोल है ये, जो कि क्या हो गया, चपटी ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया और उसके ऊपर आपको लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो लीफ है वो लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है और इसके नीचे पेटियोल जो है वो फाइलोड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेटियोल जो है, फाइलोड क्या है, मॉडिफाइड पेटियोल है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं हम कि लीफ पेटियोल और रेचिस मॉडिफाइड इंटू फ्लैटेंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल है अकेसिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके फंक्शन देखे जाएं तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीन स्ट्रक्चर है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी, साथ ही साथ जो है ट्रांसपिरेशन को भी कम करेगी, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर ऐसा नहीं होता और लीफ होती तो क्या ट्रांसपिरेशन के चांसेस ज़्यादा थे, बट जो है ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई और इससे जो लीफ होती है, एक तो यहाँ पर कैसी है लीफ जो है लीफलेट फॉर्म में और साथ ही लीफ जो होती है वो जल्दी गिर जाती है, तो पेटियोल ही आपको देखने को मिलता है, तो ट्रांसपिरेशन को कम करता है, साथ ही साथ वाटर का स्टोरेज भी कर सकता है या करता है। तो इस तरीके से इनके फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप जो हम वैसे तो एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे, फिर भी जो है रोलिंग लीफ होती है, एग्जांपल है जीरोफिटिक ग्रासेस जो होती है वो इसके अंदर रखी जाती है, उनके अंदर जो लीफ होती है रोलिंग लीफ मिलती है। रोलिंग लीफ का मतलब है कि लीफ जो होती है वो इस तरीके से रोल हो जाती है, इस तरीके से। ये जब होती है कि जब ड्राई कंडीशन आती है, जब मॉइस्चर रहती है तब तो क्या रहती है, लीफ जो है आराम से स्प्रेड फॉर्म में रहती है, बट जैसी ड्राई कंडीशन आती है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने की वजह क्या है, एक्चुअली आप ध्यान से देखिए कि ये जो मिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर लीफ के अपर सरफेस में ये जो ग्रासेज होती है रोलिंग ग्रासेज, उनकी लीफ के अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पर, और साथ ही साथ स्टोमेटा जो होते हैं, दो स्टोमेटा हैं उन जो स्टोमेटा हैं उनके बीच में जो है सेल्स प्रेजेंट होती है कुछ, जो कि लार्ज सेल्स होती हैं एंड जो है थिन वॉल्ड होती है, उन्हें कहा जाता है बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं उनके अगर करेक्टर देखे जाएं तो थिन वॉल्ड होती है, लार्ज होती है एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, तीन करेक्टर्स हैं बुलीफॉर्म सेल्स के। तो ये जो होती है सेल्स, जब वाटर प्रेजेंट होता है जब तो ये टर्जिड फॉर्म में रहती है, मतलब फुली भी रहती है, बट जब वाटर नहीं होता है तो ड्राई कंडीशन होती है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, और फ्लैसिड होते ही क्या होता है, लीफ जो होती है इस तरीके से मुड़ जाती है, तो स्टोमेटा कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अपर सरफेस पे स्टोमेटा है वो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं इस तरीके से लीफ के थ्रू, तो स्टोमेटा जो है आउटर एनवायरनमेंट के टच में नहीं आएंगे और ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ट्रांसपिरेशन को कम करना होता है, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है रोलिंग लीव्स, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं अडेप्टेशन के तौर पे जो कि हम स्टडी करते हैं लीफ के केस में। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल्स।